असलम टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली क्या हाल चाल है आपके कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बस पिछले कुछ दिन थोड़े परेशानी में गुजरे लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हालात बेहतर हैं जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी ईद पर ईद से एक दिन पहले तो बस उसी की परेशानी में थोड़ा टाइम गुजरा और कोविड टेस्ट भी किया शुक्र अलहमदिल्ला कि वो नेगेटिव आया तो उससे ये होता है कि आधी परेशानी कम हो जाती है तो उसके बाद जी बस ट्रीटमेंट करते रहे मेडिसिन देती रही तो अब माशाल्लाह से बहुत बेहतर है पहले से तो अल्लाह ताला का शुक्र है और ये ब्लॉग जो है ये जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये जी हम गए थे ब्राइटन लास्ट संडे बहुत सनी डे था बहुत ही प्यारा मौसम था और हम तो सारा साल इंतज़ार करते हैं कि कब ऐसा सनी वेदर आए और हम लोग ब्राइटन जाएं, बीच जाएं, सी साइड जाएँ तो जी आज वो मौसम आ गया था और सुबह उठते ही पहले हमारा कोई भी प्लान नहीं था तो जैसे ही उठे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा हॉट था तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चले जी रेडी हो जाएं हम सब जाएँगे ब्राइटन और हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और जी जो रास्ते में इतने ख़ूबसूरत खूबसूरत मनाजिर हैं इतने प्यारे प्यारे से व्यूज़ हैं वो देख तो दिल खुश हो जाता है इतनी ज़्यादा माशाल्लाह ग्रीनरी है जैसे कि आप देख रहे होंगे और बच्चों ने भी ट्रैवल को खूब एंजॉय किया तो यहाँ जी जब हम इस रोड पर आते हैं तो दिल खुश हो जाता है दूर से ही सामने समंदर नज़र आता है तो इसका व्यू बहुत ही प्यारा लगता है जी जनाब तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना और आ, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे ये वीडियो को तो मेरे साथ ही रहिएगा और जिन जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आ सके और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूला करें माशाल्लाह व्यूज़ आ जाते हैं लेकिन लाइक्स बहुत कम होते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो से रेलिवेंट ही आ, कमेंट किया करें क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल समझ नहीं आती कि हमने वीडियो में ऐसी कोई चीज़ शेयर भी नहीं की और उससे रिलेटेड जो है वो कमेंट सारे होते हैं तो काइंडली वीडियो को देखने के बाद ही कमेंट किया करें तो यहाँ जी हम बीच पर पहुँच चुके थे और हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर ली थी और शुक्र है कि हमें पार्किंग जो है वो पास ही मिल गई थी और यहाँ जी हमें रोड क्रॉस करके दूसरी साइड पर जाना होता है जहाँ से बीच स्टार्ट होता है तो बहुत ही प्यारे प्यारे से व्यूज़ में आप लोगों के साथ स्टार्ट में भी शेयर किए और आगे भी शेयर करने वाली हूँ अच्छा समर्स में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि जब आप बीच पे जाते हैं ना तो आपको इतना रिलैक्स फील होता है स्पेशली मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है और वहाँ इतना रिलैक्सिंग का अम, सारा एटमोसफेयर होता है और ठंडा ठंडा सा पानी होता है तो बहुत ही अच्छा फील होता है लेकिन आज का जो दिन था ना वो थोड़ा सा हमारा रूटीन से डिफरेंट हो गया पहले भी हम बहुत दफ़ा ब्राइटन आए हैं लेकिन आज तो यानी कि बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन से उलट था और बिल्कुल यानी कि हम लोगों ने बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बुरा हाल भी हो सकता है यानी कि Uh, जो बीच था वो फुली पैक था इतना बड़ा ये बीच है ब्राइटन बीच जो है इट्स क्वाइट बेग बट आज संडे का दिन था और लग रहा था कि जैसे पूरा लंदन ही उठकर कर यहाँ पहुँच गया है और यानी कि पाँव रखने की भी जगह नहीं थी और हम लोगों ने पहले एक जगह हम एंटर हुए और वहाँ हमें कोई स्पेस नज़र नहीं आई क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे तो हमने फिर वहाँ से वापस पीछे आए और फिर हम थोड़ा सा आगे गए और हम काफ़ी देर तो यही घूमते रहे कि हमें कहीं बैठने की जगह मिल जाए और इतना ज़्यादा रश था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती और इतना यानी कि बहुत ज़्यादा हॉट वेदर था तो फिर आखिरकार हमें जगह मिल ही गई हम लोगों ने वहाँ अपना आ, मैट बिछाया और हम लोगों ने थोड़े स्नैक्स ले लिए थे और इसके साथ हमने मैकडोनल्ड्स ले लिया था बच्चों के लिए तो वही हमने वहाँ बैठ कर इंजॉय किया कुछ रास्ते में खाया पिया कुछ वहाँ जा कर बैठ कर लेकिन जब बच्चे पानी के पास पहुँचते हैं ना तो फिर वो खाना पीना बिल्कुल भूल जाते हैं फिर उनको सिर्फ इन्जॉय करना होता है पानी पानी में और यहाँ ये बच्चे जी वाटर गन्स भी लेकर गए हुए थे आई डोंट नो ये गन्स हैं कि वाटर पंप इसको कहते हैं तो जी इससे अजवा ने तो खैर बहुत किया अजवा तो एक मिनट के लिए भी पानी से बाहर नहीं आई जी तो आपने समंदर की लहरों की आवाज़ तो बहुत इन्जॉय की होगी खैर मुझे तो ये आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है अच्छा आज अमीर पानी में बिल्कुल भी नहीं गए शायद थोड़ी तबीयत आपसे थी थोड़ी सी मुझे लगता है कि स्टार्ट हो चुकी थी तबीयत ख़राब होना तो बस यहीं पर बैठे रहे और पत्थर फेंकते रहे पानी में और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया ही डिडेंट वॉन्ट टू कम बैक तो बस uh, काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा और अहमद uh, भी गए पानी में थोड़ी देर के लिए बट uh, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा जैसे uh, होता है जैसे अजवा तो पानी से निकले ही नहीं एक मिनट के लिए भी लेकिन अहमद थोड़ा uh, कम कम ही थोड़ी देर के लिए जाते थे तो फिर वापस आ जाते थे तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि क्या ज़बरदस्त सा व्यू आ रहा है इस टाइम थोड़ा सा रश कम हो गया था लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रश था बहुत ही ज़्यादा जैसे कि आपने वीडियोस में क्लिप्स में देखा होगा कि आ, किस तरह से लोग वहाँ जमा थे और सब लोग हॉट वेदर को इन्जॉय कर रहे थे और सी व्यू को भी इंजॉय कर रहे थे और यहाँ जी हम लोग अब वापसी की तैयारियों में थे बच्चों ने आइसक्रीम ली आ, वापसी पर जाते हुए और अमीर को तो बहुत मुश्किल से मैंने वहाँ से निकाला ही डिड एंड वॉन्ट टू कम बैक एंड डे वॉन्ट टू लीव सी साइड और ये जी मुझे वापसी पर जाते जाते एक ब्रिटिश uh, एयरवेज uh, uh, की ये कोई उन्होंने बिल्डिंग से बनाई हुई है बहुत ज़्यादा टॉल है तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसका व्यू जो है वो कैच करने की कोशिश की और um, अच्छा यहाँ पर जो है uh, वापसी पर जाते हुए वेदर बहुत ही प्यारा था सनसेट भी भी हो रहा था और थोड़ा सा यानी कि गर्मी की शिदत में भी कमी आ चुकी थी तो हमने यही कोशिश की कि बस थोड़ा सा जल्दी निकल जाएं और घर भी पहुंच जाएं टाइम पर क्योंकि नेक्स्ट डे मंडे था और बच्चों ने स्कूल भी जाना था और अभी घर जाकर हमने डिनर भी करना था तो वापसी पर हमने रास्ते से ही डिनर जो है वो टेक अवे कर लिया रेस्टोरेंट से और फिर जी हमने घर जाके बच्चों को मैंने बच्चों को शावर दिया और फिर डिनर किया और फिर बच्चे जो हैं वो बेड पर गए तो यहाँ जी आप ये प्यारे प्यारे से व्यूज़ को एंजॉय करें और आगे एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो आएगी जो सनसेट की मैंने कोशिश की है उसको कैप्चर करने की जी जनाब तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा मैं फिर मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ तब तक के लिए ठीक है अल्लाह हाफि